महिलाएं सुरक्षित है, सबने अपनी चेन छोड़ दी थी पहनी, इतनी भीड़ में भी सब गोल्ड की चेन पहन के आई है, विश्वास है कर दी थी सभा सरकार में। अब वो गुंडे हवालात की हवा खा रहे, जेल जेल में रोटी खा रहे हैं वो गुंडे। बहुत कुछ मिल रहा है, इतना करा है किसी सरकार ने नहीं करा, ना ही अखिलेश ने ना ही मायावती ने। तो मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिले? मुस्लिम ही हूँ मैं भी। तीन तलाक हटने पर खुश है? हाँ खुश है बिल्कुल। किसको जिताएंगी? मोदी को। मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को। हाँ जी, बहुत उत्तर प्रदेश में इस बार योगी जी। हाँ जी, दोबारा आएंगे, जरूर आएंगे। मोदी जी जीतने चाहिए, मोदी जी। क्यों मोदी जी? आप जिला अध्यक्ष मैम जी, योगी राज में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। तो जिस तरीके से विपक्ष बार बार बोलता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो गए, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% महिलाएं सुरक्षित हैं, रोजगार भी मिल रहा है, अग्रसर है प्रगति के पथ पर। जो कमियां रह गई हैं अब आगे सुधारी जाएंगी, सुधारी जाएंगी। महिला सुरक्षित है या नहीं, आप न्यूज चैनल वाले हो, आपको सबको पता होगा कितनी महिला सुरक्षित है कितनी। इससे बढ़िया सरकार नहीं है, सब महिलाएं सुरक्षित है, सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं। और बहन जी, महिलाएं सुरक्षित है, सबने अपनी चेन छोड़ दी थी पहनी, इतनी भीड़ में भी सब गोल्ड की चेन पहन के आई है, विश्वास है। तो मतलब विश्वास है आप लोगों को कि आप ऐसा कुछ नहीं? पूर्ण रूप से विश्वास है। ये सोनिया जी है, प्रियंका जी है, राहुल जी है, ये खिस्यानी बिल्ली चूहे खाए, ये उसको लेकर चल रही होगी मोदी जी को बदनाम करने की सारी कहानी है। जैसे मोदी जी हैं, आज तक ना तो कोई आया, ना आगे को कोई भी आने का। राम राज चल रहा है 4.5 साल से, और राम राज चलता रहेगा। मतलब सारी महिलाएं ये मानती है कि महिलाएं सुरक्षित है? आप मानती है कि महिलाएं सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है, बहुत ज्यादा। मोदी सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। आप क्या मानती है? हम मानते हैं मोदी योगी के इसमें राज्य में मतलब भ्रष्टाचार, औरतों की सुरक्षा, ये सारी चीजें कम हो चुकी हैं। हाँ, कुछ भी नाम मत। महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बेटियां बेखौफ स्कूल जा रही है, पढ़ने जा रही है। एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया गया है लड़कियों के लिए, कोई दिक्कत परेशानी होती है आप उस पे जाकर नहीं सहायता मांग सकती हैं। ठीक है, आप जैसे जिला अध्यक्ष है, आप महिलाओं के लिए क्या क्या काम करती हैं जिससे कि महिलाओं को और सुरक्षित महसूस किया जा सके? महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि हम रात में भी निकलते हैं और कोई हमें ग्रुप की जरूरत नहीं है, अकेले शान से निकलते हैं और शान से अपने घर पहुंचते हैं। मेरी बेटियां अब स्कूल जाती है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे ये नहीं है कि वो कैसे वापस आएंगी। पहले हमारे बुलंदशहर में महिलाओं के दुपट्टे तक छिन जाते थे, लड़कियों के दुपट्टे, स्कूल जाती थी डर लगता था, लेकिन अब हम रोक टोक जाती है, बिल्कुल अकेली स्कूटी से जाती है, मुझे कोई डर नहीं होता। हां जी बोलिए। मोदी योगी के युग में ऐसा हुआ है, ये हमारे जिला अध्यक्ष बहन है और मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, मतलब जिला अध्यक्ष में और छोटे कार्यकर्ता में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन की तरह मेरा ध्यान रखती हैं, अपने साथ लेकर चलती हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर कह रही है कि कोई गुंडागर्दी नहीं है, जितनी सपा में गुंडे थे सारे जेल की हवा खा रहे सारे गुंडे, कोई गुंडागर्दी नहीं है। सपा सरकार में गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी थी सपा सरकार में, अब वो गुंडे हवालात की हवा खा रहे, जेल जेल में रोटी खा रहे हैं वो गुंडे। ठीक है, ऐसी सरकार में हुआ ही नहीं जैसा इसमें इंसाफ मिल रहा है, गरीब बेटियों को, गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, योगी जी ने। नरगिस जी मंडल अध्यक्ष श्याना ग्रामीण से जी, मतलब महिलाओं को अधिकार मिल रहा है? जी मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, इतना करा है किसी सरकार ने नहीं करा, ना ही अखिलेश ने ना ही मायावती ने। तो मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिले? मुस्लिम ही हूँ मैं भी। तीन तलाक हटने पर खुश है? हाँ खुश है बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो मिल रहा है, उसमें कार्य तो अच्छा चल रहा है, ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक भी। महिलाओं को उनका दर्जा मिल रहा है, उनकी हिम्मत मिल रही है, जज्बा मिल रहा, इस तरीके से थोड़ा ही है। किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा? मुस्लिम महिला बढ़ के बोल सकती है, महिला जहाँ बोल नहीं सकती ना वहाँ भी बोल सकती है इस सरकार के अंदर। पिछली सरकारों में क्या हुआ करता था आपको हक नहीं? कुछ भी नहीं हुआ ना आज तक, कोई कार्य अच्छे से हुआ ना, कोई मदद मिली किसी महिला को, ना कोई हिम्मत मिली आज तक, लेकिन इस सरकार में वो जज्बा वो हिम्मत है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। तो आगे आप सपोर्ट करेंगी योगी? बिल्कुल, आने वाले टाइम में जीतेंगे, अवश्य करेंगे बिल्कुल। रेणु मिश्रा, क्या लगता है योगी जी जीत पाएंगे? हाँ जीत पाएंगे, जीत पाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा महिला सुरक्षित है अभी उत्तर प्रदेश? हाँ 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 हाँ, बहुत हुआ कम। आपको क्या लगता है आंटी? हाँ जीत पाएंगे, हाँ जी। गुंडागर्दी कम हुई? बहुत कम हुई है। अच्छा महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ हुआ करती थी, रात को महिला निकल नहीं पाती थी घर से, अभी सेफ है? हाँ अब तो कम है। हाँ अब आपकी बहन बेटियां निकल पाती हैं घर? हाँ जी निकलती हैं। अच्छा, तो योगी जी को जिताएगी महिला? हाँ बिल्कुल जिताएंगे। हाँ आप किसको जिताएंगे? योगी जी को। योगी जी को? योगी जी क्यों?
पूरे ही तरह से पूरी तरह से जिता। योगी जी को क्यों जिताना चाहती है? अच्छा काम कराए इसलिए। हाँ पिछली सरकारों ने क्या अच्छा काम नहीं किया था? नहीं, इन्होंने अच्छा किया है। अच्छा महिलाओं के लिए सुरक्षा दी? खूब अच्छी तरह से। हाँ बढ़िया। रात में घर से बाहर निकल पाते? पहले नहीं निकलते, अब निकलते हैं। हाँ। निडर होके बिल्कुल खूब बढ़िया तरह। आप भी आंटी जी? हाँ बिल्कुल निडर होके निकलते। निडर रह के निकलते हैं। किसको जिताएंगी? मोदी को। मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ जी बहुत। उत्तर प्रदेश में इस बार योगी जी आएंगे? हाँ जी दोबारा आएंगे, जरूर आएंगे। आपको क्या लगता है? हाँ अच्छा लगता, मतलब मोदी जी हर चीज अच्छा लगा। हाँ अच्छी से हर चीज बरकत कर रहे हैं, हर चीज में तरक्की है। घर से निकल पाती है आप सुरक्षित आराम से? हाँ तकलीफ तो नहीं? तकलीफ नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है। मोदी महिलाओं के लिए जो योजनाएं लेकर आ रहे थे, योगी मोदी लेकर आए हैं, जो उज्ज्वला योजना भी है, काफी सारी योजना वो मिल रही है? हाँ मिल रही है, राशन पानी सब मिल रहे हैं। महीना में राशन मिलता है? हाँ मिलता है राशन। उज्ज्वला योजना मिली? हाँ हाँ मिलता है। हाँ सही हो रहा है सब काम? हाँ सब काम सही हो। किसको जिताना चाहते? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ आप किसको जिताना चाहते? मोदी जी। मोदी जी क्यों लगता है आपको? मोदी जी सही काम? हाँ सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा दी है? हाँ जी। राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ। चलिए चलिए चलिए। अम्मा जी आपको क्या लगता है कौन अच्छा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में? भैया कर रहा मोदी। मोदी जी भैया? हाँ। अच्छा देखिए कह रहे भैया, भैया बता रहे हैं मोदी जी को। अम्मा जी जैसे आप काफी एजेड है, काफी उम्र है आपकी, उत्तर प्रदेश में पहले लड़कियों के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ हुआ करती थी, रात में बाहर नहीं निकल पाती थी, अभी अभी सुरक्षित है? भैया है अभी सुरक्षित है? हाँ, खुश है। अच्छा ठीक है ठीक है। आपको क्या नाम है? चलिए इनको सुनाई नहीं दे रहा शायद। आपको क्या नाम है? मेरा कांता जी। अच्छा आप क्या कहेंगी कौन जीतना चाहिए? मोदी जी जीतने चाहिए। मोदी जी क्यों? मोदी जी यूँ जो इतने चाहिए का सबको यहाँ मिलना चाहिए, विकास बढ़िया चलना चाहिए। हाँ देखो यहाँ मजदूरी नहीं पहले, अब मजदूरी है नहीं चाहिए, यूँ होना चाहिए। हाँ बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया काम हो रहा है। हाँ बढ़िया काम हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और बता दें कि आज जेवर एयरपोर्ट और कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब तमाम लोग माइक भी तो ले गई हाथ में, किसी को तुम पूछ भी सकते थे तो माइक भी ले गई हो तुम। आज के आयोजन में हमारे मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय कुमार प्रसाद मौर्य जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुनील बालियान जी, आदरणीय बघेल जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री समुद्र
मोदी अब उसको हेलीकॉप्टर देखो ना ये उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल का ही विकास नहीं करेगा।